ये गुड न्यूज़ तो आपको मिल ही गई होगी कि इस बार का बिग बॉस पिछले सीजन्स के मुकाबले और ज्यादा लंबा होने वाला है। पहले ये शो 12 जनवरी 2020 को खत्म होने वाला था, लेकिन अब इस प्रोग्राम को पूरे एक महीने के लिए और एक्सटेंड किया गया है और अब बिग बॉस का फिनाले आपको देखने को मिलेगा 15 फरवरी 2020 को। लेकिन अचानक से शो को एक महीने और बढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा मिला है सिद्धार्थ शुक्ला को, क्योंकि सिद्धार्थ अचानक से इस तरह शो को एक महीना और बढ़ा दिए जाने पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को यूं ही आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा शो के मेकर्स ने सिद्धार्थ को मनाने के लिए उनकी फीस में भी काफी बढ़ोतरी की है। खबर है कि सिद्धार्थ को अभी बिग बॉस के घर में रुकने के लिए हर हफ्ते 9 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन फरवरी के महीने में रुकने के लिए सिद्धार्थ की मौजूदा फीस को बढ़ाकर 10 लाख रुपए पर वीक कर दिया गया है। सोर्सेज के मुताबिक बिग बॉस के घर में ये स्पेशल ट्रीटमेंट और फीस की बढ़ोतरी सिर्फ सिद्धार्थ के साथ ही की गई है, बाकी कंटेस्टेंट्स को उनकी पुरानी फीस पर ही रखा गया है। खबर ये भी है कि शो को एक महीना आगे बढ़ाने की हालत में सलमान खान भी शायद सेलिब्रिटी होस्ट के तौर पर इसे कंटिन्यू ना कर पाए, क्योंकि फरवरी के महीने में सलमान ने अपनी डेट्स अपनी ईद रिलीज फिल्म राधे के नाम निकाल रखी है। तो ऐसी हालत में शायद सलमान की जगह फराह खान को बिग बॉस होस्ट करने की जिम्मेदारी दी जाए। हालांकि बिग बॉस के हार्डकोर फैंस इस बदलाव को कितनी पॉजिटिवली लेते हैं ये बात भी देखने लायक होगी। खैर, बिग बॉस का 13वां सीजन पिछले काफी सीजन्स के मुकाबले टीआरपी और पॉपुलैरिटी में चार्ट बस्टर साबित हुआ, वरना पिछले काफी सीजन से धीरे धीरे बिग बॉस की टीआरपी गिर ही रही थी। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ और रश्मि शो में शो रनर के तौर पर दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस बार टीआरपी खूब भर भर के आई है। लिहाजा शो में आखिरी फिनाले राउंड तक सिद्धार्थ और रश्मि का होना लाजमी है और इन्हें शो में बनाए रखने के लिए मेकर्स भी हर तरह के जतन में जुटे हैं।